Hello students, welcome to the Lakshmi Education Society. My name is Rohit and today we're going to continue the polynomial chapter, and in this video we're going to solve the questions of exercise 2.2. So if you're watching this video for the first time, I recommend you to watch the previous video first so that you can get well versed with the concept, and you'll be able to solve this 2.2 exercise question easily, and you'll be able to understand this video. Okay, so By the way, I get really freaked out speaking this same line, welcoming. मेरे को एक काम करना चाहिए, welcome का portion एक अलग record करके डाल दो, बार बार ना बोलना पड़े, hello, welcome to the LES, Lakshmi Education Society, मेरा नाम रोहित. बड़ा boring हो जाता है, मेरे हिसाब से आपके लिए भी boring हो जाता है. यार ये बंदा रोज हर वीडियो में आता है, यही बोल के चला जाता है. यार ये तुम्हारे लिए नहीं है जो बहुत पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए जो नए बंदे आ रहे हैं, उनको तो बताना पड़ता है ना क्या है क्या नहीं है. एनीवेज, तो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ 2.2 के कॉन्सेप्ट आपको पता है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपको पता है तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. ठीक है, एक चीज और है, थोड़ा सा फॉर्मूले का रिलेशन इस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. किस पे? इस पे, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. तो इसका मैं आपको बता देता हूँ. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं, पता है ना ये बात? तो नहीं पता तो यार ये सब चीजें तो आप पुरानी वीडियो देख लो, और अगर उसमें समझ नहीं है दोबारा वीडियो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उसको देख लो एक बार. ठीक है, वरना ये वीडियो समझ नहीं आएगी आपको. ठीक है, तो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. अल्फा क्या है? जीरो. इस जीरो को हमने अल्फा ले लिया, जीरोज होते हैं ना, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये निकालने सीखे थे हमने प्रीवियस वीडियो में. इसी तरह क्वाड्रेटिक का होता है, एक सेकेंड, ये पेन थोड़ा सा स्मूथली नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों. थिंक माई, एक सेकेंड, हाँ, क्वाड्रेटिक का होता है फॉर्मूला माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं, क्वाड्रेटिक का होता है एक तो सम होता है, क्या होता है सम में? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है क्वाड्रेटिक में, दो होते हैं ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा सम को हम ऐसे लिखते हैं माइनस बी बाय ए. ठीक है, और ये हो गया माइनस बी बाय, प्रोडक्ट का होता है अल्फा बीटा सी बाय ए. तो ये हो गया क्वाड्रेटिक का, ये जो डब्बे में बना रहा हूँ, और ये हो गया लीनियर का. अब ये अल्फा बीटा गामा, ये तो मैंने जीरोस को ले लिया, इसमें एक ही होता है, तो एक अल्फा एक ही जीरो होता है ना इसमें, डिग्री वन जितने डिग्री उतने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक की डिग्री टू होती है तो दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसका रिलेशन अभी बी बाय, वो बी भी बता चुका हूँ. लीनियर की इक्वेशन ऐसे होती है ना, ए एक्स प्लस बी, ये जनरल फॉर्म है, तो ए और बी ये है, ये ए और बी. ऐसे क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ए बी सी यही है, यहाँ से लिया इस जनरल फॉर्म से. सो लास्ट देख लेते हैं क्यूबिक, ये दोबारा बता रहा हूँ मैं वैसे. क्यूबिक का होता है रिलेशन अल्फा, तीन होते हैं क्यूबिक के, डिग्री थ्री है, तो नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी थ्री होंगी, वाई नहीं गामा है, माइनस बी बाय. दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय, और अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब मल्टीप्लाई, माइनस डी बाय, और इसकी जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. तो ये ए बी सी डी यहाँ से लिया जो इक्वेशन में होते हैं. ठीक है, तो ये रिलेशन है, मैं दोबारा पहले ही बता चुका हूँ आपको, दो तीन बार बता चुका हूँ, इसी पे क्वेश्चन करेंगे हम 2.2 है. ठीक है, करें ये क्वेश्चन ना, उप्स ये. ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या था, ये था कॉन्सेप्ट, और हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे. कर लूँ क्वेश्चन स्टार्ट, परमिशन है आप लोगों की? एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. तो बुक लेकर बैठा करो, क्वेश्चन वही पूछ रहा है आपका, कैसे इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट. ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन दे रखी है. ठीक है, तो इक्वेशन, ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोस, मतलब जीरोस बताना है ये सब पॉलिनोमियल का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन. वो जो रिलेशन ऊपर बताया ना मैंने, जीरोस और कोफिशिएंट का, वेरीफाई द रिलेशन लिख रहा हूँ सिर्फ मैं यहाँ पर ना.
बस ये करना है। तो अब हमें ये पता है, तो पहले तो इसको जीरो से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, डिग्री टू है, दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, वही समझ आ रहा है ना, ये बेसिक बता रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, पहले प्रोग्रेस वीडियो देख लेना अगर समझ ना आ रहा हो तो। ये टू है, डिग्री टू है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जीरोज भी दो होंगे, जितने डिग्री उतने जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, तो दो जीरोज आएंगे इसके। तो इसका दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देखो इसमें जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है, यानी एक्स की वैल्यू निकालना, ऐसी वैल्यू निकालना जिसपे कि जब वो पॉलीनोमियल में डालें उस एक्स की वैल्यू, तो वो पॉलीनोमियल पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक तो है ही, यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है कि इसका डिग्री दो है, पावर टू है, डिग्री टू है, तो इसके जीरोज भी टू होंगे। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन सॉल्विंग चल रही है ना, कि जीरोज निकालना है पहले, उसके बाद वेरीफाई करना है मैं रिलेशन से। और वेरीफाई कैसे करोगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कि इन फॉर्मूले से हम करेंगे कि अल्फा बीटा यानी जीरोज लिया हमने, ठीक है, दो हैं तो। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए, बेवकूफ नहीं हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, जान पूछ के पर्पसली रिपीट करता हूँ चीज़ें, ताकि आप वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में घुस जाए। मेरा पर्पस यही, वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद तो बस ऐसे प्रैक्टिस करो आप मजे में गाने गाते हुए, ठीक है, सद रहता है। एनीवेज क्वेश्चन करते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन है हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, तो लेट्स डू इट। तो देखो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, अब देखो हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ इसका, इसकी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, हमें पहले जीरोस निकालना ना, फाइंड द जीरोस। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हो, कैसे, हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी किया है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, कि हमें ऐसे दो नंबर देखने जो ये उन दो नंबरों को जब मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, यानी एट आ जाए, और उन दोनों को जब जोड़ें तो टू आ जाए, समझ लो, इसी तरह से करते थे ना। तो दो नंबर कौन से होंगे, कुछ आपको समझ याद आ रहा है कौन से होंगे वो दो नंबर, यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो रही है ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो पूरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, वैसे मैं इस तरह सॉल्व नहीं करता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका, ऐसा फास्टेस्ट तरीका कि मन में कर दोगे आप, लेकिन अभी पहले पहला क्वेश्चन है तो ट्रेडिशनल देखो। तो हम ऐसे सॉल्व करते थे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो बड़ा वाला माइनस ले लिया, और फोर इंटू टू वो सॉरी माइनस आएगा, माइनस का फोर है और प्लस का टू है तो माइनस एट आ जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉमन वॉमन ले लेते थे, यहाँ से वही ले रहे हैं अभी हम, ठीक है, ऐसे हम करेंगे नहीं, टेंथना कौन है, अब टेंथ स्टैंडर्ड में जैसे तो ना, फिर हम कॉमन लेंगे, इधर से एक्स कॉमन लिया तो क्या मिला एक्स माइनस फोर, इसमें से टू कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स माइनस फोर, अभी और कॉमन ले लो, एक्स माइनस फोर कॉमन लिया तो क्या बचा बताओ x प्लस टू, और उसके बाद हमें जीरोस निकालना, तो ये दोनों जीरोस के इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू इधर ये फोर आ जाएगी, इस वाले में से तो फोर आ जाएगी x माइनस फोर जब जीरो करेंगे तो, और इसमें से x की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, ये आ गई हमारे जीरोस, ये तो है जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। इनको जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इनको रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल को रूट्स, पर अभी यहाँ टेंथ में जीरोस ही यूज किया गया है, तो जीरोस ही याद रखो, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल ही हो गया फोर और माइनस टू, क्योंकि क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, आपको रिवाइज करना, तो क्या होते हैं जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, क्या होते हैं, मतलब कि अगर जब हम इसको एक्स की वैल्यू को फोर को यहाँ डालें तो ये पूरा जीरो हो जाए, या माइनस टू डालें तो ये पूरा जीरो हो जाए। तो हमने फर्स्ट पॉइंट तो कर दिया, क्या फाइंड द जीरोस, जीरोस निकाल दिए, उसके बाद वेरीफाई करते थे, लेकिन अभी मैं पहले आपको वेरीफाई में करवा देता हूँ, चलो वेरीफाई इस क्वेश्चन को पहले वेरीफाई भी करवा देता हूँ, बाकी ये जो पार्ट है ना, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, मैं आपको ऐसा पार्ट बताऊंगा आप डायरेक्ट ही हम यहाँ पहुंचोगे, बीच के स्टेप सोचने में पड़ेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस तो समझ आ गया ना आपको। इसको हमें ऐसे दो नंबर देखने होते हैं जो मल्टीप्लाई करके एट आ जाए और ऐड करके माइनस टू आ जाए, वही तो करा हमने, फोर और टू, फोर और माइनस टू है वो दो नंबर, फोर और माइनस टू को ऐड किया तो क्या बचा, सॉरी माइनस फोर और टू, तो माइनस फोर आया और प्लस टू को ऐड किया माइनस टू हो गया, और माइनस फोर इंटू टू एट हो गया, माइनस एट हो गया, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन पहले पूरा कंप्लीट कर देते हैं, हम कर रहे हैं वेरीफाई द रिलेशन, तो ये क्वाड्रेटिक है तो हम ये वाला लगाएंगे, ये अब तक याद हो जाना चाहिए आपको, ये वाला कि दोनों जीरोस का सम माइनस बी ए और दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई सी बाई ए, और ए बी सी क्या है, ए बी सी कहाँ से लेते हैं हम, ए बी सी जनरल फॉर्म से लेते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस हिसाब से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लगाओ तो इसमें ए क्या बनेगा, ए वन लगेगा, क्यों, उसका कोफिशियंट वन ही तो है, जब कुछ नहीं होता वन मानते हैं। बी क्या होगा, माइनस टू, ये होगी ना बी एक्स, और सी क्या हो गया, माइनस एट, ये तो ए प्लस बी सी। अब हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये वेरीफाई द रिलेशन वाला, तो हम कर रहे हैं ये ब्लू से करता हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस होने चाहिए माइनस बी बाई ए, ये तो कहता है ना ऊपर, ये तो कह रहा है यार, बार बार ऊपर करके दिखाना पड़ रहा है, यही तो कह रहा है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब ऊपर नहीं करूँगा मैं, याद कर लो तुम। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जीरोस का सम, तो ये दोनों जीरोस जो हैं तो फोर प्लस माइनस टू इज इक्वल टू, पहले एल एच एस देख रहे हैं हम, ये एल एच एस देख रहे हैं, तो कितना होगा ये टू हो जाएगा। अब माइनस बी बाई ए क्या है, माइनस बी यानी कि माइनस, और बी क्या है माइनस टू, और ए वन है तो ये भी टू आ गया, तो टू इज इक्वल टू टू, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला तो कर दिया हमने, अब प्रोडक्ट वाला कर देते हैं, प्रोडक्ट वाला यहाँ से कर देता हूँ पिंक से, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होना चाहिए, तो सी, सी क्या है हमारा, सी है माइनस एट, ए तो वन ही है तो माइनस एट आना चाहिए अल्फा और बीटा। अब देखो इसको, अल्फा हमारा फोर ले लिया, बीटा माइनस टू हो गया ना, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। बस इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने, हमने प्रूव कर दिया जी, यहाँ से जीरोज निकाल दिए, यहाँ से रिलेशनशिप निकाल दिया, खत्म। ठीक है, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, खास रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का थोड़ा सा स्पीडी तरीका, अगर आपको याद करने में रह जाए तो। देखो होता पता क्या है, शुरुआत में कोई नया तरीका आपको बताऊंगा ना तो आपको लग सकता है नहीं यार ये तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा कुछ ऐसा लग सकता है आपको, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका, देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप हजम कर पाए तो उसे। देखो मैं एक चीज लिख रहा हूँ, अभी रुको आपको समझाता हूँ, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस, अभी बताता हूँ तुम जाओ पेशेंस रखो, प्लस प्लस माइनस माइनस स्मॉलर इज माइनस, नो नो लिसन एक्स, क्या था माइनस माइनस प्लस माइनस ना, तो इसमें आएगा स्मॉलर, अभी अभी रुक जाओ सब समझा देता हूँ, तुम्हारे लिए नई चीज है इसलिए हो सकता है आपको एकदम से हजम ना हो, पर मेरा काम है आपको सब कुछ बताना तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ क्या मैंने लिखा है, ये देखो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस, आप ये कैसे याद करना है वो आपका हेडेक है। इससे होगा क्या मैं बताता हूँ, इससे क्या होगा, इससे पता क्या होगा, इससे आप सीधे यहाँ पहुंचोगे, सीधे जीरोस निकाल सकते हो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉल, क्वाड्रेटिक का ध्यान रखना क्यूबिक नहीं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी दो होती है ये, ठीक है ये निकाल सकते हो x is equal to 4, x is equal to minus 2, ये सब छोड़ के सीधे जीरोस निकलेंगे कि x 4 है x minus 2। अब देखो कैसे, जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, मैं हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, x square minus 2x minus 8 है, x square minus 2x minus 8, ये मैं वाइट से लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन है मान लो x square minus 2x minus 8। अब देखो ये क्या है, दोनों माइनस माइनस के साइन है, माइनस माइनस, तो इसके जो जीरोज निकलेंगे ना, जीरोज ये जीरोज के लिए है ये सारे साइन, वो प्लस और माइनस के होंगे, और माइनस का साइन जो स्मॉलर नंबर है उस पर आएगा, बस ये डायरेक्ट निकलेगा। अब आपको बस क्या देखना है कि यार ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको जिसका मल्टीप्लिकेशन ये हो और जिनको मतलब आप आपस में जोड़ो या घटाओ तो दो आ जाए, तो ऐसे दो नंबर यही है 4 और 2, मल्टीप्लिकेशन इनका 8 आ जाता है, इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो 2 आ जाता है, तो बस आपको पता है जीरोस 4 और 2 है, अब बस आपको सीधे साइन लगाना है और स्मॉलर पे माइनस का लाइन लगाना है, 4 और माइनस 2 ये निकल गए जीरोस। दिस इज द फास्टेस्ट वे, मन में कर सकते हो, सीधे मन में डायरेक्ट जीरोस पे पहुंचोगे आप। देखो ये 4 और माइनस 2 निकले ना, यही तो था हमारा जीरोस इसका, ये देख लो 4 और माइनस 2 है ना, ये 4 और ये माइनस 2, यही तो आया था हमारा जीरोस। हमने क्या यूज किया, हमने देखा
ये यूज किया हमने, देखा ये जो पॉलिनोमियल है, जो इक्वेशन है, इसमें दोनों माइनस के साइन है, यानी ये वाली कंडीशन लग रही है सेकंड वाली, माइनस माइनस, तो जो हमारे जो जीरोस निकलेंगे उसका प्लस, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो जो स्मॉलर वाला नंबर है उस पर माइनस लगा लो, स्मॉल 402 में से स्मॉलर कौन है, 2 है, 2 के आगे माइनस लगा लिया, खत्म। और ये सोचा बस हमने, ये नंबर सोचे 402, और ये कैसे सोचे जाते हैं कि ये जो लास्ट वाला नंबर है इनका मल्टीप्लीकेशन और ये बीच वाला नंबर है इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 हो जाए, तो 402 ही है ऐसे दो नंबर के, 402 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 8 आ जाता है, इसमें जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 आ जाता है। पर इसमें ना एक चीज मत भूल जाना, ये निकल गया 402, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कुछ होता जैसे ए है, अभी मैं जनरल टर्म में ए ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई और नंबर होता ए, जैसे इसमें तो नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट, समझ रहे हो ना, इसमें तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर है, इसमें तो पीछे कुछ नहीं है कोफिशियंट, पर अगर मान लो कोई कोफिशियंट होता ए, तो आपको लास्ट में ये निकालने के बाद इन दोनों को ए से भी डिवाइड करना है, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें ये लास्ट ये कोफिशियंट भी है, तो हम इन जो हमारे जीरो निकलते हैं ना उसको लास्ट में दोनों को उस कोफिशियंट से, फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर वाले कोफिशियंट से डिवाइड भी करना है। अब देखो ये तरीका आपको अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपको मैं बता रहा हूँ तो नया लग रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, दिस इज द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व। लेकिन हाँ अभी टेंथ में है तो आपको लिख के दिखाना है, यू नो पूरा एक्सप्लेन करना है, तो कोई नहीं, अपना ट्रेडिशनल तरीका तो है ही जो आप टेंथ में करते थे, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ये शॉर्ट बता दिया, ये शॉर्ट कम से कम वेरीफाई करने के लिए तो कर ही सकते हो कि यार मेरे जीरो सही निकले नहीं निकले जल्दी से। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखो ये ए वाला आ जाएगा, कोफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मैं जल्दी वाले तरीके से भी बताता हूँ आपको और फास्ट वाले तरीके से भी, सॉरी ट्रेडिशनल तरीके से तो आप जानती हो करना, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है सेकंड क्वेश्चन, 4h² - 4s + 1, तो इसमें साइन क्या है, माइनस और प्लस, यानी ये वाला लगेगा, यानी हमारे जीरोज हैं वो दोनों प्लस प्लस के होंगे, माइनस प्लस है ना, देखो माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये हमारे जीरोस प्लस प्लस होंगे, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई नंबर ये जब इसमें, ये देखो इसमें ये कोफिशिएंट आ गया ना, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम 4 मानेंगे, और फिर सोचेंगे वैसे कि ऐसा कोई नंबर, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो या ऐड करें तो 4 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर मेरे को तो 2 और 2 ही दिख रहे हैं, तो हमें मिल गए अपने जीरोस। और देखो ये माइनस प्लस वाला साइन है तो दोनों का साइन प्लस ही होगा, सिंपल एक लाइन में कुछ सॉल्व नहीं किया, +2 + 2, ये हो गया हमारा फास्टेस्ट वे। अगर ये याद हो आपको, ये याद हो तो आप सीधे इसके 4s² - 4s + 1 का सीधे निकाल दोगे, 2 और 2 ही जीरोस, यानी कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको अपने कौन सा अपना ट्रेडिशनल तरीके से करना है तो फिर आराम से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो करके दिखा देता हूँ मैं आपको उसमें कैसे होगा। ये हटा दूँ फास्टेस्ट वाला, मैं तो मैंने आपको बता दिया, अब आपकी श्रद्धा के अनुसार है करना नहीं करना, मैं आपको कर देता हूँ ट्रेडिशनल तरीके से। ट्रेडिशनल तरीके से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप इसको ले लो, ये ऐसे कर दो, ये समझ आ रहा है ना, हम छोटी क्लास में भी करते थे, इसको आप लिख लो, अभी ये लिखा है 4s² - 4s + 1, तो इसको आप ब्रेक कर लो, एक सेकेंड, ट्रेडिशनल तरीके से निकाल लो जीरो, तो ये 4s² इस 4s को ब्रेक कर दिया, कैसे कर दिया, -2s और -2s में +1 कर दिया, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा इधर बताओ, इधर 2s बच गया और -1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से -1 ले लेंगे तो 2s - 1 आ जाएगा, फिर कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 2s - 1 और 2s - 1। अच्छा हाँ, मैंने जो पहले बताया था ना आपको कि वो 2 2 आ गया, उसके बाद देखो मैं ये भूल गया था ये कोफिशिएंट से डिवाइड करना, वीडियो थोड़ी सी 10 सेकंड पीछे ले जाओ, मैंने जब बताया था कि 2 2 आ गए रूट्स प्लस में, उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि जो ये कोफिशिएंट है पहले एक्स स्क्वायर वाले का उससे मैं डिवाइड करना, तो डिवाइड भी तो करना होता है, उस हिसाब से आएगा 1/2 और 1/2 हमारे जीरोज आएंगे, ये आएंगे जो कि यहाँ से भी हमारे ट्रेडिशनल तरीके से भी आ गए, ये 2s - 1, ये इसके आगे का स्टेप बता रहा हूँ, और 2s - 1 आ गया, इसको जीरो के इक्वल करे तो यहाँ से निकल गया s = 1/2 और इससे भी निकल गया s = 1/2, तो हमारे दो जीरोज यही हैं, दोनों 1/2 और 1/2 ट्रेडिशनल तरीके से, और ये प्लस माइनस के साइन देखने के तरीके से भी आ गए। ठीक है, तो जीरोज हमने फाइंड कर दिए, अब हम वेरीफाई करते हैं अपना, क्या हमें अपने अल्फा बीटा मिल गए, ये होते हैं ना अल्फा बीटा, वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई रिलेशन, ये तो क्वेश्चन है, पहले जीरोस निकालो फिर उनका रिलेशन बिटवीन
बिटवीन, इजी बिटवीन ऐसे लिखता हूँ मैं, जीरोस एंड कॉफिशेंट निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता था माइनस बी बाई ए, तो इस इक्वेशन के हिसाब से बी क्या है, इस इक्वेशन के हिसाब से ए पहले, ये तो ए है फोर, ये बी है और ये सी है, निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा यानी वन बाई टू प्लस वन बाई टू यानी कि वन, तो बी बाई ए क्या है, माइनस बी कितना है माइनस फोर, ए यानी फोर, ये फोर से फोर गया वन ही आ जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर करोगे वन आ जाएगा, तो हमने प्रूव कर दिया। दूसरा प्रोडक्शन प्रोडक्ट कर दो, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू, सी कितना है, सी वन है ए फोर है, वन बाई फोर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी वन बाई फोर, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। बस इसी तरह से क्वेश्चन करते जाओ अपने हिसाब से, इसी तरह से क्वेश्चन करते जाओ। थर्ड क्वेश्चन पे चले, बाकी ये आपका मैंने आपको डायरेक्ट रूट से जो हम वन बाई टू ऐसे लंबा करके निकालते हैं, इसका हम डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से आप टेंथ में आपको मार्क्स ही मिलेंगे डायरेक्ट निकालोगे तो, कहेंगे निकाल कैसे दिया बनते ने, ये भी तो है, तो आप ट्रेडिशनल तरीके से ही करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन से करते, वीडियो लंबी हो रही है ना, कोई नहीं होने दो यार, बच्चों को एक्सप्लेन होना चाहिए, वीडियो लंबी हो जाए चाहे, ये थोड़ी ना एनिमेशन दिखा के माइनस सेवन एक्स, ठीक है। अब पहले इस इक्वेशन को पहले तो ऑर्डर में लाओ, ये ऑर्डर में नहीं है, दिख रही है ऑर्डर में नहीं है, सिक्स एक्स स्क्वायर के पास पहले एक्स वाला टर्म होता है फिर लास्ट में कोफिशियंट वाला टर्म होता है, तो इसको ऑर्डर में ऐसे लाएंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स पहले आएगा फिर माइनस थ्री आएगा, ये आ गया। अब देखो मैं इसको फास्टेस्ट तरीके से कैसे करूंगा, ये सिक्स इंटू थ्री एटीन, तो मेरे को एटीन दिख रहा है ये लास्ट वाला नंबर और ये सेवन है, तो मैं ऐसा नंबर सोचूंगा, ऐसा नंबर सोचूंगा जिसका मल्टीप्लीकेशन एटी हो जाए और सम और वो सेवन हो जाए, तो ऐसा नंबर कौन सा है बताओ, बताओ जिसका मेरे को दिख गया नाइन और टू है ऐसे नंबर, क्यों, नाइन और टू का मल्टीप्लीकेशन एटी होता है और नाइन और माइनस नाइन प्लस टू सेवन होता है, माइनस सेवन होता है ये माइनस सेवन, बस हमें दिख गए कि नाइन और टू है और साइन कौन कौन से है, माइनस माइनस के साइन है, माइनस माइनस के साइन में क्या होता था, ये वाला केस है, ये वाला माइनस माइनस के साइन में प्लस माइनस होते थे और स्मॉलर वाले पे माइनस आ जाता था, तो स्मॉलर वाला कौन सा इसमें से, टू है, लेकिन ये है देखो ये भूल जाते हैं बच्चे अक्सर फास्ट करने के चक्कर में कि जो ये है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, इससे लास्ट में डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, नाइन बाय सिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, टू बाय थ्री, ओ सॉरी थ्री बाय टू, एक सेकेंड दोबारा लिख लेते हैं, मुचुड़ मुचुड़ नहीं करना, थ्री बाय टू और ये आएगा माइनस वन बाय थ्री, ये जीरोस है, नहीं ये जीरोस, थ्री बाय टू और माइनस वन बाय थ्री, ये मैंने फास्टेस्ट तरीके से कर लिया। अब मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से दिखा देता हूँ करके, ये आना चाहिए आपको फास्टेस्ट तरीका ना, अच्छा होता ही है, कम से कम वेरीफाई तो कर ही लेते हो आप। चलो ट्रेडिशनल तरीका देखो, ट्रेडिशनल में कैसे करोगे इसको बताओ, सिक्स एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, आपको क्या करना है इसमें, उसको खोल दो पहले, इसमें सोचना पड़ता है ना आपको, ऐसे सिक्स एक्स स्क्वायर तो आप माइनस नाइन एक्स, नाइन और टू थे ना, माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, इन दोनों में से कॉमन ले लो जो आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, थ्री एक्स आ रहा है, तो क्या बचेगा, टू एक्स माइनस थ्री, यार ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक को, अगर किसी बच्चे को क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन सॉल्व ये ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज बताना, मैं क्वाड्रेटिक पूरा दोबारा से बता दूंगा धीरे धीरे सॉल्व कैसे होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सॉल्व करना आता है, क्यों मान के चल रहा हूँ, क्योंकि एट्थ में नाइन्थ में आप ये जान चुके हो करना, पर बहुत बच्चों को नहीं आता, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कॉमन ले लिया मैंने तो एक्स माइनस थ्री, इन दोनों को जीरो को इक्वलेंट पुट करो, यहाँ कर रहा हूँ आगे का, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आ गई, हमने जल्दी वाली से भी निकाला था, और दूसरी एक्स की वैल्यू थ्री बाई टू आ गई, बस हो गए सॉल्व हमारे, ये दोनों जीरोज हैं हमारे माइनस वन बाई थ्री और थ्री बाई टू। अब वेरीफाई कर दो फॉर्मूले में, फॉर्मूले में वेरीफाई नहीं कर सकते क्या, माइनस वन बाई थ्री और थ्री बाई टू तो आ गया, कर दो। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता था, माइनस बी बाई ए, तो इसमें बी क्या है, बी है हमारा माइनस थ्री, तो माइनस का साइन तो रहेगा ही, बी हमारा माइनस थ्री आएगा, ध्यान रखना है साइन में, थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, साइन में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं,
ये माइनस तो है ही फॉर्मूले में, तो ये अलग से लिखोगे माइनस, उसके बाद इसको विथ माइनस साइन लेके जाना, ये बी विथ माइनस साइन, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो यहाँ से हुआ ना, रीअरेंज करने के बाद ए बी सी ढूंढते हैं, देखा ऐसे गलतियां होती है। ये है यहाँ, इसमें देखना है मैं, इसमें ये तो रीअरेंज नहीं हो रखा ना, यहाँ पहले 7x आएगा जैसे यहाँ ले आए हम, फिर अब इसमें देखो इसमें ए क्या है, मैं लिख ही देता हूँ ना, इसमें ए क्या है, ए 6 है, बी क्या है, बी -7 है, सी क्या है, सी -3 है, समझ आ गए यार, ये वही तो फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो जनरल फॉर्म होती थी उसी में लिख रखा है बस, ए 6 -7 सी -3, साइन के साथ उठाना कर, उठाया करो, ये 6 ए 6 -7 ये साइन के साथ, ये 3 साइन के साथ उठा लिया। अब लगाओ इस फॉर्मूले में वेरीफाई करने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/3 +3/2, और माइनस बी क्या है, माइनस, और बी क्या है, -7, और ए क्या है, 6, तो यानी कि ये माइनस से माइनस ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो 7/6 बचेगा, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 7/6 ही आ जाएगा, करके देख लो। ये एलसीएम ले लिया 6 -2 एंड ठीक है, -2 प्लस ये एलसीएम लिया तो 9, देख लो ये आ गया 9 -2 7, हेंस प्रूव्ड आर एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो ये प्लस वाला कर दिया। अब नेक्स्ट अल्फा बीटा वाला भी करके दिखाओ, ये बस लेंथी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस इतना नहीं है। अल्फा बीटा कर लो, अल्फा बीटा क्या होता था, सी बाय ए, तो सी हमारे क्या है, -3, ए हमारे क्या है, 6, वो काट दो यहीं पर ही, क्या बचेगा, -1/2 आना चाहिए हमारा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि -1/3 -3/2, काटो काटो आ गया ना ये -1/2, तो यहाँ पर भी प्रूव हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हो गया थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व, ऐसे ही करना है बस, ये बस लेंथी से बना रखे हैं, प्लस माइनस की गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ये बस यही सब चीजें होती है जो प्रैक्टिस से खत्म होती है। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, चलिए जी ये है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। पहले तो मुझे आप बताओ इसमें ए क्या है, ए आपका 4 है यार, और बी क्या है, 8, और सी क्या है इसमें, इसमें सी नहीं है हमारा, है ही नहीं ना आगे, ए और बी है तो सी क्या है इसमें, बताओ जल्दी बताओ सी क्या है, अरे यार अजीब बात कर रहे हो, सी हमारा इसमें जीरो नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है क्या, तो ए बी सी हमने निकाल दिया, पहले तो इसको इसके जीरोस निकालो, आप निकालो उसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आगे नहीं है ना, तो क्वाड्रेटिक की तरह से नहीं करेंगे, इसमें कॉमन दिख रहा है डायरेक्ट कि 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचा, u प्लस 2, अब इसको जीरो के इक्विवेलेंट करो तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0, ये पहला जीरो निकल गया हमारा, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 करा तो u इज इक्वल टू -2, तो हमारे क्या क्या निकले जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, 0 और -2, ये दो आ गए जीरोस, यानी अल्फा और बीटा हमारे ये आ गए, बस अब इसको वेरीफाई करो, ये ब्लू से कर रहा हूँ, तो पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिख ही रहा है, 0 प्लस -2 है यानी कि -2 आएगा, क्या माइनस बी बाई यही आ रहा है, देख करके देख लो, माइनस बी कितना है 8 और ए कितना है 4, आ गया हमारा -2, हो गया वेरीफाई, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दिक्कत हुई नहीं हुई। उसके बाद अब ये वाला कर दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो अल्फा और बीटा ये तो 0 इंटू -2 तो 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, सी बाई ए सी 0 ही है, तो जब ऊपर 0 आ गया तो पूरा ही 0 हो जाता है, चाहे ए 4 ही हो, 0/4 0 ही होता है, तो यहाँ पर भी 0 0 एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा मैं यार, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे, चलो क्वेश्चन नंबर 5th कर लेते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5th, इसको थोड़ी सी लाइन खींच दूं मैं, 5th ये है क्वेश्चन नंबर 5th, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5th हमारा कहता है t² - 15, आप पहले बताओ इसमें a क्या है हमारा, a 1 है, ये x स्क्वायर का कोफिशियंट होता है ना a, और b क्या है हमारा, b होता है x वाला कोफिशियंट, ये होती थी ना इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
सॉरी, एक्स स्क्वायर याद कर रहे हो तुम लोग मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हमारा ये वन हो गया, बी क्या हुआ एक्स के साथ वाला टर्म, तो वो है ही नहीं, तो बी हमारा जीरो हो गया। सी क्या है, अकेला नंबर, तो सी आ गया हमारा -15। तो ए बी सी तो हमें पता चल गया। अब हम रूट निकाल रहे हैं, तो इसमें इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं करना क्योंकि यही है सिर्फ। तो टू स्क्वायर माइनस 15 को जीरो को इक्वलेंट करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे इधर से तो रूट 15 और माइनस रूट 15। ये रूट वाले खेल पता है ना तुम्हें, छोटी क्लासों की बातें। चलो थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, बच्चे भूल भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टी स्क्वायर इक्वल टू 15 है, तो जब स्क्वायर हटाते हैं ना तो दोनों चीजें आ जाती है। स्क्वायर हटाते तो उधर रूट आ जाता है, जैसे इधर रूट आ गया ना, ये स्क्वायर हटाया तो दूसरी साइड रूट आ गया अंडर रूट 15। पर दो है, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज निकलते हैं, दो डिग्रीज हैं यहाँ पर, तो दो जीरोज निकल गए। तो एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का कर दो, एक प्लस एक माइनस, तो हमारे जीरोज निकल गए। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करते थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय बी क्या है जीरो, तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला जीरो हो गया। तो करके देख लो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा जीरो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक माइनस का एक प्लस का है तो ये भी जीरो ही आ जाएगा भाई। ये माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कट के जीरो ही तो आएंगे, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया प्रूफ। अब दूसरे वाली चीज में कर देते हैं, अल्फा बीटा वाले में सी ए होता था, सी क्या है हमारा माइनस 15, ए क्या है हमारा 1, तो माइनस 15 आना चाहिए। करके देख लो, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे रूट 15 और माइनस रूट 15 को जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 15 ही तो आता है यार। दो स्क्वायर वाले को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, स्क्वायर रूट वाले को, तो ऐसे ही आ जाता है। वही करा मैंने, रूट 15 टू माइनस 15 रूट 15 आ गया, ठीक है। तो हैंस प्रूफ, इधर भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। माइनस का साइन इसलिए आ गया क्योंकि एक रूट प्लस में एक रूट माइनस में, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, प्लस माइनस करके माइनस आ गया, तो ये दोनों भी प्रूव हो गए, ठीक है। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है हमारी इस एक्सरसाइज का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा लंबी। चलो देखो, ये लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन क्वेश्चन। येलो कलर यूज करके बोर हो गए, अब हम करते हैं पिंक। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो पहले इसमें तो एबीसी देख लिया करो, जनरल इक्वेशन क्या होती थी दोबारा लिख के दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस हिसाब से ए क्या आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ए हमारा 3 आ रहा है, बी क्या आ रहा है, बी हमारा माइनस वन आ रहा है, समझ आ रहा है ना, बी एक्स ये माइनस वन आ रहा है और सी क्या आ रहा है माइनस 4। तो हमें हमारे ए बी सी पता चल गए। चलो इसको पहले तो सॉल्व करो, यहाँ करते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अगर स्पीड से करें तो कैसे होगा, ये इसको 3 को ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12, इस नंबर को मैं 12 सोचूं, अगर मैं 12 सोचूं तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और जिनको प्लस या माइनस करके माइनस वन आ जाए, तो वो नंबर है 4 और 3। 4 × 3 12 होता है ना, और 4 माइनस माइनस 4 प्लस 3 माइनस वन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मेरे को अगर जल्दी से करूँ तो 4 और 3 मिलेंगे, और माइनस माइनस का है तो उसके हमें रूट भी पता होते हैं। माइनस माइनस में क्या होते हैं, वीडियो देख लेना, प्लस माइनस होता है और जो स्मॉलर है उस पर माइनस आ जाता है। तो 4 और 3 में से स्मॉलर कौन सा है, तो 4 और -3, डायरेक्ट जीरोस निकलते हैं फास्ट तरीके से। आई डोंट थिंक तुम्हें इतनी जल्दी समझ आया होगा, कोई नहीं, तुम ट्रेडिशनल से करो और आई थिंक 10th तक ट्रेडिशनल तरीका ही ठीक है। और अगर इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखोगे ना, फास्ट वाला तरीका, तो ऐसा मन में सॉल्व होते हैं जीरोस मन में, कोई बात नहीं, पेज के साथ सीख जाओगे आगे। चलो तो ट्रेडिशनल तरीके से इसको सॉल्व करें, करो ये हटाओ सब, क्या क्या बना दिया मैंने, कोई नई मूवी आ रही है ना आजकल, सूर्यवंशी, कैसी है मूवी, देखी तुमने सूर्यवंशी, देखी, पता नहीं यार टाइम नहीं मिल वाला देखने का। चलो इसको सॉल्व करो, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, कुछ नहीं, इसको हम माइनस एक्स खोलने की कोशिश करेंगे, 3x² हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस 4x प्लस 3x, ताकि ये दोनों सबट्रैक्ट करके माइनस एक्स हो जाए, और उधर तो हम माइनस 4 ही लिखेंगे। फिर हमें ये सोचना पड़ता है, ऐसे ऐसे सोचना पड़ता है, लेकिन जो मैंने बताया उसमें सिर्फ हमें ये चीज़ सोचनी होती है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये
और दो नंबर ऐसे जो मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और प्लस या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला आ जाए। लेकिन अगर कॉफिशेंट होता है तो हम इस साइड वाले नंबर को उससे मल्टीप्लाई करके लेते हैं, जैसे 3 × 4 = 12, तो मैं ये साइड वाला नंबर 12 सोचूंगा अगर ये x² के साथ कॉफिशेंट होता है तो। चलो कोई नहीं, ट्रेडिशनल तरीके से ऐसे हम सोचते हैं कि यार -4x 3x कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लो, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है तो देखो, अगर मैं इन दोनों में देखूं तो मेरे को दिख रहा है कॉमन x, तो मैं इधर से x कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा 3x-4, और इससे इसमें से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, इसमें +1 दिख रहा है तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 3x-4, बस आ गया। यानी कि ये x प्लस वन और ये 3x-4 कॉमन, 3x-4 कॉमन, इन दोनों को जीरो को इक्वलेंट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x हमारा आ गया -1 और 4/3, तो ये हमारे आ गया अल्फा और बीटा, यानी दोनों जीरोस। अब इनको जल्दी से वेरीफाई कर दो, पहले अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, तो b क्या हमारा -1, तो माइनस तो ये फॉर्मूले में है ही, और b की वैल्यू -1 और a 3, तो ये माइनस से माइनस कट जाएंगे तो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा 1/3, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा भी 1/3 होना चाहिए। करके देख लो, अल्फा -1 प्लस 4/3, करो सॉल्व, क्या ये आएगा? आ जाएगा। देखो 3 यहाँ से एलसीएम लिया, -3 + 4 आ गया ना 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आ गया। ये देखो LHS = RHS हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा से ऐसे हो गया। और यहाँ पर मैं दूसरा वाला कर देता हूँ ब्लू कलर से, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, C/A, तो C कितना है हमारा -4, A कितना है 3, तो -4/3 आना चाहिए हमारा राइट हैंड साइड। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा तो अल्फा है -1, ये रहा बीटा है, अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं ना, प्लस और प्रोडक्ट में हमें ऊपर नीचे सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 + 2 करो चाहे 2 × 2 करो, दोनों मतलब आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो अल्फा बीटा इन दोनों में से कोई सा भी ले लो। तो -1 × 4/3, तो देखो ये भी आ गया आपका -4/3 इक्वलेंट हो गया LHS = RHS। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब जो सेकंड पार्ट है 2.2 एक्सरसाइज का, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसमें पता क्या पूछेगा आपसे, उसमें ना ऐसे जीरोस दे देगा, ये जो जीरोस है ना ये दे देगा और कहेगा ये इक्वेशन बना के दिखाओ उल्टा। अभी तो जैसे हम ये इक्वेशन दे रखी थी फिर हम ये जीरोस निकालते थे, ये था ना, सेकंड पार्ट में ये जीरोस दे देगा, वो कहेगा ये इक्वेशन बनाओ तुम, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।